चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर एमएस वर्ड की सूची टैब्स और सारणी। ठीक, एमएस वर्ड सबने नाम सुन रखा होगा। एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट टाइप करते हैं, और टाइप करते हैं तो उसमें हमको टाइप करने की अच्छी सुविधा मिल जाती है। जैसे कोई मैटर टाइप करना होता है, टाइप करने के लिए एक नोट पैड होता है, नोट पैड पर भी आराम से आप टाइप कर सकते हो। लेकिन नोट पैड में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो हमको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक, एमएस वर्ड जिसमें जिसमें एमएस लगा रहेगा, आप लोग समझ जाइए कि वो किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। अगर एमएस लगा होगा तो किस कंपनी का होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, जितने भी एमएस करके आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड है, तो अगर पूछा जाए कि इसको किस कंपनी ने बनाया तो आप फटाफट से कहोगे भैया माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसको। आप देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो हम टेबल रख रहे हैं, तो टेबल रखने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बुलेट या नंबर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कुछ सिटीज़ के नाम लिख रहे हैं, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, सुल्तानपुर। फॉर एग्जाम्पल हमने पांच सिटीज़ के नाम लिखे। ठीक, अब ये जो नाम लिखे हैं इनको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं देते। अगर हमने सीरियल से लिखा है तो हम इनको नंबर देते हैं या कुछ स्टार लगाते हैं, ऐसे कुछ करके लिखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ये हमको इनको नंबर लगाने का या बुलेट लगाने का, अगर नंबर लिखा है तो उन्हें नंबर कहेंगे, अगर कोई सिंबल बना तो उसे हम बुलेट कहेंगे। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होगा ऐसे लगाए रहेंगे इसमें, फिर ऐसे लगाए रहेंगे, फिर ऐसे लगा रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक, ये बुलेट हो गया। या आपका नंबर होगा ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, या आपका ऐसे नंबर रहेगा, रोमन नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, या आपका रोमन नंबर हो गया। तो ये सारे नंबर जो होते हैं ये आपको प्रोवाइड कौन करता है, एमएस वर्ड। ठीक, ये बुलेट लगाना हुआ, नंबर लिखना हुआ, या रोमन नंबर में आपको डालने हुए तो एमएस वर्ड प्रोवाइड करेगा। इसमें एक सीट होती है, उस पर ऑप्शन आएगा आपको बुलेट और नंबरिंग का। ठीक है, बुलेट और नंबरिंग का जब ऑप्शन आता है तो बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन आप अगर ओपन करेंगे तो आपको 3-4 बॉक्स खुल के दिखाई पड़ेंगे। ठीक, जैसे बुलेट का अगर आप करोगे तो बुलेट भी डिफरेंट टाइप के बने होंगे, इस टाइप का होगा, किसी ने स्टार बना होगा, किसी ने कुछ बना होगा, उस टाइप के बुलेट होंगे। जिसको आप ओपन करोगे तो नीचे एक ओके का बटन रहेगा, ओके जब कर दोगे तो आपका वो बुलेट तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो बुलेट लगाना है तो आपने ओके किया तो पहला बुलेट लग जाएगा, पहला बुलेट लगा, आपने लखनऊ टाइप किया, लखनऊ टाइप करने के बाद जैसे इंटर करोगे तो आपको दोबारा बुलेट नहीं लगाना, दोबारा अपने आप बुलेट लग जाएगा, आपको केवल आगरा टाइप करना है। फिर जैसे इंटर करोगे तुरंत फिर बुलेट लग जाएगा, फिर आपको दिल्ली टाइप करना है। फिर जैसे इंटर करोगे आपको फिर बुलेट लग जाएगा, फिर अयोध्या टाइप करना है। इस तरह से आपका ये बुलेट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नंबर आपको डालने हैं तो आपको नंबर्ड ऑप्शन में जाना है। नंबर्ड ऑप्शन में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे कि नंबर किस किस तरीके के होंगे। कभी ऐसा होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट लगा होगा, कभी ऐसा होगा रोमन नंबर होगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। ठीक, इस तरह से होगा। कभी यही रोमन नंबर जो होंगे वो ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे, कभी ये वाले नंबर ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करो, जैसे ये लगाना है तो इसको सेलेक्ट किया और ले जाकर नीचे ओके का बटन होता है, ओके का बटन प्रेस कर दो।
जैसे ओके का बटन प्रेस करोगे ये वाला चालू हो जाएगा, पहला वाला आपका अपने आप लग जाएगा, फिर आप लखनऊ टाइप करोगे, एंटर करोगे, जैसे एंटर करोगे दूसरा अपने आप लग जाएगा, फिर आप आगरा टाइप किया फिर एंटर किया तीसरा लग जाएगा, दिल्ली टाइप किया फिर एंटर किया चौथा लग जाएगा, अयोध्या टाइप किया फिर एंटर किया पाँचवा लग जाएगा, सुल्तानपुर टाइप किया। ठीक, इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो बुलेट इसमें यूज़ कर सकते हो या नंबर आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, आप देखो आउटलाइन की सूची तैयार करना होता तो क्या करते हैं, आउटलाइन की सूची अब जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक, कुछ टाइप किया है, आप पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको आउटलाइन सूची में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आउटलाइन सूची में बदलना है। क्या कहेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट, पहला काम आपको क्या करना है, टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतलब जो लिखा है को सेलेक्ट करना है। जिसकी आउटलाइन बनानी है उस टेक्स्ट को आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर फॉर्मेट मेनू में जाइए और बुलेट और नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट का ऑप्शन वहाँ बना रहेगा, उस मेनू में जाइए, ओके कीजिए, ओके करेंगे मतलब एरो मतलब क्लिक करिए, ठीक, क्लिक करिए, फिर आपको ऑप्शन आएगा बुलेट और नंबरिंग का, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स और नंबरिंग का ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट करिए। अब इसके बॉक्स में आउटलाइन नंबर, इसका जो बॉक्स होगा इसके बॉक्स में क्या करना है, आउटलाइन नंबर पे क्लिक करिए, एरो मतलब क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक किससे करेंगे आप, माउस से करेंगे। ठीक, माउस का कर्सर ले जाएंगे, एरो जहाँ दिखेगा माउस के बटन दबा दो क्लिक हो जाएगा। ठीक, तो बॉक्स पे जाना है, उसके बाद क्लिक करना है किस पे, आउटलाइन नंबर, आउटलाइन नंबर पे क्लिक करें, फिर लिस्ट की टाइप पे क्लिक करिए और ओके, फिर यहाँ से क्या करना है, लिस्ट की टाइप, लिस्ट की टाइप, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आपका आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ये आउटलाइन का पूरा फंडा दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस टेक्स्ट पे आउटलाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लो। दूसरा स्टेप आपको क्या करना, फॉर्मेट मेनू में जाना है, बुलेट और नंबरिंग पे सेलेक्ट करना है। जैसे ये बॉक्स खुल के आएगा तो इस बॉक्स में आप ढूंढ लो, वहाँ लिखा होगा आउटलाइन नंबर, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद लिस्ट की टाइप का ऑप्शन रहेगा, जो टाइप आपको अच्छी लगे उस टाइप का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर लो, अपने करने के बाद सबसे नीचे बना होता है ओके का बटन, ओके का बटन जैसे दबाओगे वही आउटलाइन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुलेट की शैली यानी बुलेट की स्टाइल और नंबर लिस्ट में परिवर्तन करना। वो
बुलेट की स्टाइल तथा नंबर लिस्ट में परिवर्तन करें। बुलेट की स्टाइल तथा नंबर लिस्ट में परिवर्तन करना, इसके लिए क्या करते हैं, जिस सूची में परिवर्तन करना हो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करें। नंबर ए, चेंजिंग सूची को सेलेक्ट करना। या लिस्ट, चेंजिंग लिस्ट को सेलेक्ट करना। सबसे पहले जिस सूची में परिवर्तन करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो। एक फिर फॉर्मेट मेन्यू से बुलेट और नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए। फिर वहां से जाइए कहाँ, फॉर्मेट मेन्यू। फिर ये जितने एरो बने, एरो का मतलब क्या है, उस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट मेन्यू जब ओके करोगे तो ये क्या होगा, क्लिक हो जाएगा। अब फिर इसको किस पे क्लिक करना है, बुलेट और नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग पे क्लिक किया। अब बुलेट और नंबरिंग में दो ऑप्शन होंगे, या तो बुलेट या तो नंबर, ठीक। तो जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक। इसको सेलेक्ट करो, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद आपको किस बटन पे जाना है, कस्टमाइज बुलेटेड लिस्ट। कस्टमाइज बुलेटेड लिस्ट, कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि हम इसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। अब जैसे इसका ऑप्शन दीजिए, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं परिवर्तित करके इसमें लिख दूंगा, ये कस्टमाइज होता है, ठीक। कस्टमाइज का मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन करना। तो कस्टमाइज बुलेट लिस्ट में जाओगे तो आपको जो चेंज करना है वो चेंज करिए, उसके बाद बटन दबा दीजिए ओके का। क्योंकि जब तक आप ओके अलाउ नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा जो काम आपने किया है वो सही में किया है या गलती से किया है, ठीक। तो अगर आप ओके नहीं अलाउ करते हो, सब काम करके वहाँ से बाहर आ गए, ठीक, तो कंप्यूटर क्या समझता है कि ये काम आपसे गलती से हुआ है, इसलिए उसको वो चेंज नहीं करता है। इसलिए कोई भी चेंज करना हो तो जितना भी परिवर्तन आप करते जा रहे हो उसके बाद में क्या करना, ओके की बटन जरूर दबाना है। अगर आपका ओके मिस हो जाएगा तो जो भी चेंज करोगे वो चेंज आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल। क्लियर हो गया बच्चों? फिर आता है आपका टैक्स। एमएस वर्ड में चार प्रकार के टैब होते हैं, यहाँ पर एम एस वर्ड लिख दे रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये किसमें काम कर रहा है, एम एस वर्ड में काम कर रहा है। एम एस वर्ड में चार प्रकार के टैब होते हैं। एक होता है आपका बायां टैब, पहला। दूसरा आपका होता है दायां टैब, तीसरा आपका होता है मध्य टैब, चौथा आपका होता है दशमलव टैब।
अब देखो इन टैब का रोल क्या है। जो बायां टैब होता है इसका काम क्या है, जब आप बाएं टैब पे क्लिक करेंगे तो आप जितना भी मैटर उसमें लिखे होते हैं वो जाके बाएं साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। सारा का सारा खिसक के बाएं साइड पे, जैसे मान लो आपने टैब यहाँ लिखा, ठीक, सॉरी यहाँ लिखा बीच में, तो वो क्या होगा आपके बाएं, जैसे बाएं टैब क्लिक करोगे सारा का सारा लिखा उठ के कहाँ आ जाएगा, इस बाएं साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दाया टैब का मतलब क्या हुआ, जो लिखा हुआ है वो उठ के सब दाएं साइड एक किनारे जाके शिफ्ट हो जाएगा। मध्य टैब का मतलब क्या हुआ, जो लिखा है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा। और दशमलव टैब का मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट आपने दिया है वो दशमलव के साथ एक कॉलम बना देगा, यानी जैसे आपने लिखा है 11, 12, 15, 20 लिखा है तो दशमलव के बाद जीरो बढ़ा के एक कॉलम तैयार कर देगा, ठीक, यानी दशमलव के जो अंक होते हैं उनको ये शिफ्ट कर देगा, ठीक है। फिर आता है आपका टेबल, देखो टेबल जो बनती है टेबल में दो चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम। टेबल में क्या क्या होता है, रो एंड कॉलम। रो आपकी होती है पंक्ति और कॉलम आपको होता है स्तंभ, पंक्ति व स्तंभ। अब देखो जैसे मान लो ये वाली लाइनें अगर खींची होती हैं तो ये क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है, ठीक। चार हम खींच रहे हैं और ये चारों क्या कहलाती हैं, पंक्ति। और जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं वो स्तंभ कहलाती हैं। ये आपका क्या हो गया, स्तंभ। तो देखो टेबल तैयार हो गई, आपने पंक्ति बनाई चार स्तंभ बनाए, टेबल तैयार हो गई, ठीक। तो टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ठीक। इसमें आप अंक भर सकते हो, ये जो होते हैं ये जो बने हैं इनको सेल बोलते हैं, ठीक। ये जो खाने बने होते हैं इसमें गिनती टाइप के, ये क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके सेल। अब देखो अगर टेबल आपको इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको टेबल बना हुआ भी चाहिए, जैसे टेबल बना होता तो उसमें हम सारे अंक लिख देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे। और टेबल इंसर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि हमें सबसे पहले ऑप्शन पर जाना है, किस पे, इंसर्ट टेबल पे। टेबल जब हमको इंसर्ट करना होगा सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, इंसर्ट टेबल। लिख रहे हैं इंसर्ट टेबल, इस ऑप्शन पे गए, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद जो ग्रिड आएगा माउस से क्या करेंगे, सेलेक्ट टेबल। जिस टेबल को, जिस साइज का टेबल, वहाँ साइज लिखा होगा, ठीक, जिस साइज का टेबल आपको इंसर्ट करना है उस साइज को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद माउस के बटन को छोड़ेंगे तो माउस के बटन को छोड़ते ही यहाँ पे क्या होगा, एक नल टैब आ जाएगा, ठीक। माउस के बटन को छोड़ते इसमें क्या आएगा, नल टैब आएगा। नल टैब का मतलब क्या होता है, एक खाली टैब मिलेगा, ठीक। जब खाली टैब आपका मिल जाए तो जो इंसर्शन पॉइंट, यानी जब हम लिखते हैं तो लिखने से पहले एक तो ऐसे लाइन होती है वो ब्लिंक करती रहती है, एक बार बंद होगी, एक बार आएगी, फिर बंद होगी, फिर आएगी, फिर बंद होगी, फिर आएगी, ये इंसर्शन पॉइंट होता है, ठीक। इस इंसर्शन पॉइंट को आप उस स्थान पर लाइए जहां पर आपको टेबल डालना है, ठीक। इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर लाइए जहाँ पर टेबल आपको डालना है, उसके बाद टेबल मेनू में से इंसर्ट टेबल जो है क्लिक कर देंगे, टेबल मेन्यू, इंसर्ट टेबल। एक
इतना काम कर दिया आपका टेबल हो गया, लेकिन ये कब काम करेगा? जब आप इसके बाद में ओके सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा था ना, अगर आप ओके नहीं सेलेक्ट करोगे तो कंप्यूटर यही समझता है कि हमने जो किया है वो गलती से हो गया है, इसलिए वो उसके ऊपर काम नहीं करता है। ठीक, तो हमें अपना शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, ओके को सेलेक्ट करना जरूरी होगा। ठीक, सारणी में कोई टेक्स्ट डालना हो तो सारणी में टेक्स्ट डालने के लिए क्या करते हैं, जो टेबल होता है उसी टेबल पे ले जाके हम अपना इंसर्शन पॉइंट क्लिक करते हैं। इंसर्शन पॉइंट अगर आ गया तो आपको जो भी टेक्स्ट उसमें लिखना है उस टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। टाइप करते ही ओके हो जाएगा। ठीक, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक सेल से, अब जैसे सेल हमने बता दिया जो कॉलम बन जाते हैं वही आपके क्या हैं, सेल हैं। अब मान लो एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो या तो माउस उठाओ, पहले सेल से दूसरे सेल में रखो, या तो आप शिफ्ट प्लस, कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको मिलेगा शिफ्ट और टैब की मिलेगा, शिफ्ट प्लस टैब सेलेक्ट कर दोगे तो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाओगे। एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन होगा, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब का बटन जैसे ही आप दबाओगे, शिफ्ट प्लस टैब का मतलब होता है एक हाथ से शिफ्ट दबाए रहो, दूसरे हाथ से टैब दबा दो। ये नहीं कि शिफ्ट दबाओ उसको छोड़ दो फिर टैब दबाओ, अगर शिफ्ट दबा के छोड़ दोगे तो खाली टैब वाला जो आखिरी में दबाते हैं वही काम करता है, और शिफ्ट दबाए रहोगे उसके बाद टैब दबाओगे तो दोनों का कॉमन वर्क मिलेगा। ठीक है, अब कोई भी पंक्ति वगैरह जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, जहाँ पंक्ति जोड़नी हो वहाँ की पंक्ति चुनिए, इंसर्शन पॉइंट वहाँ लाइए और बाहर आकर टैब को दबा दीजिए, पंक्ति अपने आप पहुँच जाएगी। ठीक, मान लो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो गो टू कमांड होता है। ठीक, टेबल पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सा कमांड होता है, गो टू कमांड। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सा कमांड होता है, गो टू, गो टू कमांड। बेटा एक किनारे आपको बटन वहाँ लगी होगी, वहाँ पे आपको गो टू कमांड मिल जाएगा, उससे आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकते हो। ठीक, जैसे मान लो हमें प्रॉपर शुरुआत से एंड में जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले पे गए फिर दूसरे पे आए फिर तीसरे पे आए फिर चौथे पे आए, ऐसे करके एंड तक जा रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर जाना हो तो गो टू पे जाइए, फट से आप पहुँच जाएंगे। और गो टू कमांड के लिए एक की बटन होती है कंप्यूटर में, F5। ठीक, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको गो टू कमांड करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको फट से क्या करना है, F5 पे जाना है, F5 दबाओगे आप। ठीक है, अब क्या फाइंड करना, अब जैसे आप F5 दबाओगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फाइंड व्हाट। ठीक, तो फाइंड व्हाट पे जिस टर्म को फाइंड करना है, जैसे मान लो आपने एक बहुत बहुत बड़ी चीज लिख दी, ठीक, और उसमें से आपने एक अक्षर जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक, आपको मालूम है कि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है लेकिन वो ढूंढे मिल नहीं रहा, तो आप सीधे F5 दबाओगे। F5 दबाते ही एक बॉक्स खुल के आएगा आप सामने, उस सामने बॉक्स में लिखा रहेगा फाइंड व्हाट, तो फाइंड व्हाट में जो आप ढूंढ रहे हो उसको टाइप कर दो, और टाइप करके जैसे ही आप ओके करोगे तुरंत वो क्या करेगा, उस चीज़ को फाइंड कर देगा। ठीक, अब आपको लग रहा है वो गलत है तो उसमें एक ऑप्शन आपको ये भी देता है कि रिप्लेस विद, मतलब जो आपने फाइंड किया अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, किसी चीज़ से हटाना चाहें तो उससे हटा भी सकते हैं, तो किसी चीज़ से हटाने के लिए ऑप्शन जाएगा रिप्लेस विद, तो रिप्लेस विद में वो कंटेंट टाइप कर दीजिए जिससे उसको हटाना चाहते हैं, या जो गलत था उसकी जगह सही टाइप करके ओके कर दीजिएगा, तो पूरे पूरे पेज में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो चीज़ लिखी होगी वहाँ वहाँ से उसको हटा देगा। ठीक, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं,
इसका कैसे हटाएगा। जैसे मान लो ये पूरा पेज है, ठीक, यहाँ पे आपने कंटेंट लिखा बी सी के लिख दिया, ठीक, फिर आपने कंटेंट लिखा जहाँ लिख दिया बी सी के, फिर आपने कंटेंट लिखा बी सी के, फिर आपने कंटेंट लिखा बी सी के, फिर आपने कंटेंट लिखा बी सी के और पूरा पूरा पेज आपने भर दिया। आप लिखना क्या चाह रहे थे, बैक बी ए सी के लिखना चाह रहे थे, लेकिन आपसे लिख क्या गया बी सी के। अब देखो कितने हैं, 3, 2, 5, मैंने तो एग्जांपल 5 ले लिया। मान लो पूरे पेज में आपने कम से कम 100 बार बी सी के लिख दिया है, आपको लगा गलत है, ठीक, गलत है, फट से जाओगे कहाँ, गो टू पे जाओगे या F5 दबाओगे। F5 दबाते ही आपके पास एक बॉक्स खुल के आएगा, उसमें लिखा रहेगा फाइंड वर्ड का जो डिब्बा होगा इसमें आप टाइप कर दो कि आप फाइंड क्या करना चाहते हो, बी सी के, जितना बी सी के लिखा हो वो फाइंड करो, बी सी के वो आपका जो है सेलेक्टेड हो जाएगा। फिर कहेगा रिप्लेस विद लिखा रहेगा और यहाँ एक बॉक्स बना रहेगा, तो बी सी के तो आपका गलत था, इसको आपने कर दिया बी ए सी के, ठीक, आपने यहाँ क्या किया ओके का बटन क्लिक कर दिया, ठीक, यानी अब जहाँ जहाँ इसको बी सी के दिखेगा सब जगह बदल के वो क्या कर देगा बी ए सी के कर देगा, बैक कर देगा, ताकि आपका पूरा का पेज ढूंढने ना पड़े और ये आराम से सही हो जाए, ठीक है, हो गया बेटा। ये आपका जो थर्ड चैप्टर है एमएस वर्ड की सूची और टैब, ये आज ख़त्म हो गया है। आप इसके एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज के मोस्टली आंसर जो है आपको बुक में मिल जाएंगे, बुक एक बार रीड करेंगे तो मोस्टली आंसर मिल जाएंगे, जो नहीं आएंगे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर के साथ, ओके, थैंक यू।